हरिओम आचार्य जी आचार्य जी हम आपसे बस यही समझना चाहते हैं कि कर्म जो क्या होता है अहम जो कुछ भी करता है अपनी तरक्की अपनी बेहतरी के लिए करता है अपने हिसाब से अपनी प्रगति सोच के ठीक है तो जो भी करेगा अपने आप को बढ़ाने के लिए करेगा यही उसका उद्देश्य होता है हुँ? कर्म योग का मतलब होता है कि तुम अपनी बेहतरी को अपना उद्देश्य नहीं बनाओगे तुम धर्म को अपना उद्देश्य बनाओगे तुम ये नहीं कहोगे कि मैं अपने अनुसार कुछ पाने के लिए काम कर रहा हूं तुम कहोगे मैं वो कर रहा हूं जो उचित है मुझे नहीं पता अंजाम क्या होगा यह योग है मैं वो कर रहा हूं जो उचित है अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता तो कर्मयोग में पहला ध्यान होता है औचित्य पर और पूरी तरह भुला दिया जाता है परिणाम को आमतौर पर जो अहम आधारित करता होता है वो पहला ध्यान रखता है परिणाम पर और परिणाम के अनुसार वो कर्म निर्धारित करता है ऐसे ही होता है ना आप पहले ये तय करते हो आपको जाना कहाँ है ठीक है ऐसे ही होता है ना और जहां आपको जाना है उसके हिसाब से फिर आप रास्ता देख लेते हो तो पहले आपने क्या देखा परिणाम कि मैं जो पूरी यात्रा करूंगा पूरा श्रम करूंगा उसका परिणाम क्या है परिणाम पर पहले निगाह गई और फिर वहां पहुंचने का आपने रास्ता खोज लिया ये काम करने का हमारा सामान्य तरीका है कर्मयोग में तरीका दूसरा होता है कर्मयोग कहता है कहां पहुंचना है ये हम जानते नहीं लेकिन क्या करना उचित है ये हम जानते हैं हम वही करेंगे वो करते करते हम जहां पहुंच जाए वही ठीक अभी बात बहुत अजीब है सुनने में ही बहुत अजीब लग रही है लग रही है ना इसीलिए कर्मयोगी बहुत कम होते हैं हमको कोई बहुत आकर्षक लग रहा है बंबई में बुला लिया उसने फोन करके आओ ना हमारा लक्ष्य बन गया बंबई और ये जो लक्ष्य निर्धारित किसने करा धर्म ने नहीं वृत्ति ने बंबई से फोन पर एक लुभावनी आवाज ने हमारी वृत्ति को सक्रिय कर दिया बंबई आओ ना तो वृत्ति सक्रिय हो गई वृत्ति ने लक्ष्य बता दिया क्या लक्ष्य अब बंबई तो वृत्ति ने लक्ष्य बना दिया अब हम बुद्धि के माध्यम से क्या तय करते हैं मार्ग यह हमारा काम करने का सामान्य तरीका है ठीक है वृत्ति ने लक्ष्य बता दिया क्या सरकारी नौकरी चाहिए वृत्ति तो बताती है ना सुविधा रहेगी आराम रहेगा सम्मान रहेगा इत्यादि इत्यादि वृत्ति ने लक्ष्य बता दिया सरकारी नौकरी चाहिए फिर अब तुम बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करके उस सरकारी नौकरी में घुसने की कोशिश करते हो यह हमारा कर्म करने का सामान्य तरीका है कर्मयोग दूसरी चीज है कर्मयोग कहता है जो सही है वो करूंगा अंजाम क्या सोचना है जो सही है वो इतना सही है कि उसको करने का कोई विकल्प नहीं है करना ही पड़ेगा नतीजा चाहे जो हो इसी को कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू सही काम कर परिणाम मुझे समर्पित कर दे परिणाम की तू उम्मीद रखी मत निष्काम कर्म कर ठीक है हमेशा ये देख लीजिए जो कर रहे हैं वो फल की खातिर कर रहे हैं या धर्म की खातिर कर रहे हैं ल की खातिर कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ है और धर्म की खातिर कर रहे हैं तो ठीक ही है धर्म की खातिर जब करेंगे और बीच बीच में देखेंगे तो लगेगा परिणाम तो बड़ा गड़बड़ आ रहा है रुक मत जाइएगा आप नहीं जानते परिणाम क्या आएगा कर्मयोगी के लिए मूल सिद्धांत यह बता दिया जाता है कि सही काम का परिणाम सही ही होता है तो जो भी परिणाम आ रहा है उसे सही मानो हो सकता है तुम्हें वो गलत लग रहा है पर वो सही है कर्मयोगी को सिद्धांत दिया जाता है कि अगर काम सही है तो उसका जो भी परिणाम आए तुम उसे सही मानना भले ही कितना भी गलत लगे बात समझ में आ रही है तुम काम पर ध्यान दो काम सही किया है ना अब उसका अंजाम हो सकता है बड़ा गड़बड़ आ जाए नुकसान हो गया चोट लग गई तुम ये मानना कि ये नुकसान होना ही सही है तुम ये मानना कि चोट लगना ही सही है क्यों सही है क्योंकि काम सही था जब काम सही है तो अंजाम गलत कैसे हो सकता है तो अंजाम की हम सोचेंगे ही नहीं सही काम करेंगे जो भी अंजाम आएगा वही सही होगा जो भी अंजाम आएगा उसी को सरझवाए कहेंगे कि बिल्कुल सही अंजाम है यही होना ही चाहिए था और इसी तरीके से दूसरी ओर गलत काम का अंजाम कितना भी सही लगे वो है गलत हो सकता है कि गलत काम का अंजाम बड़ा आकर्षक लगे बड़ा मीठा लगे जेब भर जाए बिल्कुल आपकी आपका यार काम तो मैंने गलत किया पर नतीजा तो बड़ा मस्त निकला है वो जो मस्त नतीजा है आपको खा जाएगा आपको अभी पता नहीं चल रहा है काम अगर गलत है तो उसके अंजाम को गलत ही जानना चाहे वो कितना भी अच्छा लगे लाभप्रद लगे कोई बात नहीं